हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि कोड ब्लॉक्स पर हम व्हाइल लूप का प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स को लेंगे, यानी दो वेरिएबल्स को हम यहां चलाएंगे, दो वेरिएबल लेकर के देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल बना लेते हैं, #include conio.h। अब यहां पर दोनों हमने ले लिया है, इसको हम नीचे कर लेते हैं यहां से। अब हमें यहां पे क्या करना है, int main, यानी कि main function हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हम curly bracket लेंगे, यहाँ पर हम integer type की value लेंगे, ठीक है। यानी data type हमारा क्या होगा, integer type का होगा। और एक variable a बना लिया हमने, a में initialize कर दिया 1, ठीक है। दूसरा variable हमने b बना लिया और b में भी initialize कर दिया 1, terminate किया इसे। और यहाँ पे अब लगाएंगे हम while, while, while loop लगा रहा हूँ मैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a is less than or equal to 10, यानी ये less than or equal to, यानी 10 तक चलेगा ये, ठीक है। ये लूप कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा। इसमें मैं और ऑपरेटर का प्रयोग कर रहा हूं, तो यहां और लगाया हमने, और लगाने के बाद b is less than or equal to 10, तो दोनों 10 तक हमने कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इस ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ठीक है, और फिर लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना देंगे। और फिर यहां printf लिखेंगे, क्योंकि हमको प्रिंट भी तो करवाना है, दैट्स व्हाई यहां printf लिखना ही होगा, ठीक है। तो यहां printf लिखा हमने, और यहां पर क्योंकि दो बार इंटीजर वैल्यू लिया है हमने, तो %d, फिर %d, इसको क्लोज करेंगे इनवर्टेड कॉमा को। और यहां पर हमें क्या देना है, backslash n देना है, ठीक है। तो ये इनवर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेगा backslash n, तो इसको यहां पे backslash n देकर के तब इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें a की वैल्यू प्रिंट करानी है पहले, तो यहां a लिखा हमने, कॉमा दिया, फिर b की वैल्यू प्रिंट करवानी है, फिर कॉमा दिया। यहां पे टर्मिनेट करेंगे इसे, और अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे। पहले हमें a++ लिखना है, a की वैल्यू बढ़ते जाएगी, a का इंक्रीमेंट हो गया। अब यहां b++ यानी b का भी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब यहां ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, ओके। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद यहां पे देंगे रिटर्न 0, क्या देंगे, रिटर्न 0। तो यहां मैंने लिखा रिटर्न 0, यहां पर टर्मिनेट किया। अब जो ब्रैकेट हमने ओपन किया था मेन फंक्शन से, उस ब्रैकेट को क्लोज करने की बारी, तो यहां क्लोज कर दिया। अब इसको करते हैं सेव, ठीक है, llop.c, ठीक है, इस नाम से सेव कर लिया हमने। और यहां पे इसको कंपाइल करवाते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से रन करवा देते हैं। तो यहां देख सकते हैं कि दोनों ही 10-10 तक प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आप, दोनों ही वैल्यू 10-10 तक प्रिंट होकर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।